हेलो दोस्तों, रियलमी C20 एंड C21, इसका लाइट सेक्शन सेम टू सेम होता है और इस फोन में लाइट प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको सेट को ऑन करके दिखाएगा। यहाँ पे देख लो, सेट ऑन हो गया लेकिन लाइट नहीं आ रहा है। ये सेट किसी दुकानदार भाई का सेट है, उसने थोड़ा बहुत ट्राई किया, मतलब ट्राई क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डिस्प्ले को चेंज किया और इसका लाइट ऐसे जहाँ पे रहता है उस टीना को निकल के थोड़ा सा देख लिया। ठीक है, मीटर से चेक किया है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया और इसका डिस्प्ले भी निकल के उसने चेक किया था, अदर्स कुछ भी नहीं किया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वोल्टेज चेक करेंगे, देखेंगे कहाँ तक वोल्टेज आ रहा है और लाइट में जो वोल्टेज चाहिए होता वो क्या आ रहा है क्या नहीं। ठीक, तो दोस्तों ऑन करने से पहले आपको थोड़ा सा दिखा दूं मैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, ये डायोड हो गया और ये हो गया कैपेसिटर। इसमें वोल्टेज ऑन करने से पहले आना चाहिए 4 वोल्ट, ऑन करने के बाद में 20 वोल्ट प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो सेट अभी ऑन हो चुका, आप देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, 0 वोल्ट, कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। डायोड का दूसरा साइड में भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, कॉइल का पहला साइड में वोल्टेज है, और ये कॉइल होके आता है डायोड में, उसके बाद आईसी में, उसके बाद इन्वर्टर होके आते हैं डिस्प्ले में वोल्टेज 20 वोल्ट प्लस। ठीक है, और मुझे लग रहा है ये कॉइल खराब है, लेकिन ये श्योर होने से पहले और एक बार चेक करेंगे हम लोग मीटर से। तो आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूँ ये वोल्टेज कैसे आता है कॉइल पर। ठीक है, ये हो गया कॉइल, ये कॉइल ख़राब होने से आपका बिल्कुल लाइट नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। और ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर होकर यहाँ पे देख लो, एक तो थोड़ा सा ब्लैक टाइप का फ्यूज़ है, ये आप लोग रेजिस्टेंस भी बोल सकता है या तो फ्यूज़ बोल सकता है। ठीक है, ये तो फ्यूज ही है लेकिन आप लोग चाहे तो इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकता है। ये रेजिस्टेंस होकर कॉइल में वोल्टेज आता है। ठीक है, यहाँ से कॉइल में, और उसके बाद ये डायोड कैपेसिटर, यहाँ तक वोल्टेज आता है। तो सबसे पहले अभी तो हम लोग का नज़र में आया है इसका कॉइल ख़राब है, तो कॉइल को फटाफट रिप्लेस करके हम लोग चेक करेंगे। एक बार हम लोग चेक करते हैं इसका फ्यूज़ अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग चेक किया है कैपेसिटर तक वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद तो कॉइल के अंदर में मीटर जा नहीं सकता, तो कैसे चेक करेंगे। तो एक बार चेक करते फाइनली क्या इसका फ्यूज़ सही है क्या ख़राब है, क्योंकि फ्यूज़ ख़राब होने से भी वोल्टेज नहीं आता है। यहाँ पे देख लो, फ्यूज़ बिल्कुल ओके है, फ्यूज़ का दूसरा साइड में वोल्टेज आ रहा है, फ्यूज़ ओके है, आप श्योर है इसका कॉइल ख़राब है। फटाफट इस कॉइल को चेंज करके हम लोग देखते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है कैपेसिटर में। ठीक है, ऐसे में किसी भी अगर लाइट का प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादातर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, कॉइल और कैपेसिटर ख़राब होता है। ठीक है, ज़्यादातर कैपेसिटर कॉइल दोनों को एक साथ में चेंज कर दो, 99% तो लाइट प्रॉब्लम ठीक हो ही जाता है, कुछ टेंशन ही नहीं है। जैसे लाइट का प्रॉब्लम आया, कॉइल और कैपेसिटर को दोनों को एक साथ में चेंज कर दो। ठीक है, तो एक बार हम लोग मीटर से चेक करते हैं, देखते हैं ये कॉइल अच्छा है कि खराब है, क्या हमारा कोई गलती हुआ है दूसरा जगह में, देखते हैं ये मीटर से चेक करने से मालूम चल जाएगा। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल खराब है, तो दूसरा कॉइल डालते हैं फटाफट। डालने से पहले एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि ये तो नया है नहीं हम लोग के पास में, पुराना किसी मदरबोर्ड से निकल के लगाना पड़ता है। चलो बढ़िया से बैठ गया, अब दोबारा एक बार चेक करते हैं, अभी देखेंगे कितना वोल्टेज बन रहा है। ठीक है,
अभी ऑन करने से पहले कितना वोल्टेज आ रहा है और ऑन करने के बाद में कितना वोल्टेज आ रहा है, दोनों आपको दिखाएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो सबसे पहले आते हैं ऑन करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया था ऑन करने से पहले 3.5 से लेकर 4 वोल्ट तक आना चाहिए, ठीक है। जितना वोल्टेज बैटरी में चार्ज है उतना वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे देख लो 3.8। अभी चेक करते हैं ऑन करने के बाद में, पहले डीसी 20 पर था, अब देते हैं 200 पर। यहाँ पे देखो 22 वोल्ट आ रहा है, कितना वोल्ट, 22 वोल्ट। और यहाँ पे देख लो डिस्प्ले में भी लाइट भी आ गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और लाइट का जो भी प्रॉब्लम में आया आपके पास में, अगर ये हो गया तो ये रियलमी 2021, अगर दूसरा कोई भी फ़ोन आते हैं ना, तो आप लोग कॉइल और कैपेसिटर को दोनों को एक साथ में चेंज करके एक बार चेक करो, ठीक है।